गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल का जो हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, उस पेपर का ये सेकेंड पार्ट है। और देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जो कि पहला क्वेश्चन 26 नंबर से स्टार्ट होती है। और हाँ, इस क्लास का पीडीएफ भी दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप दिए गए लिंक में दोस्तों क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल से इस क्लास का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पढ़िएगा पहले क्वेश्चन को और इसका आंसर बताइएगा कि टेक्नीशियन ए कहता है कि करंट मापने के लिए एम्पियर मापी सीरीज में लगाया जाता है, और टेक्नीशियन बी कहता है कि समांतर में। इन दोनों में से कौन अनुभवी है? आपको बताना है कि दोस्तों दो टेक्नीशियन है ना। आप भी दोस्तों जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, आप भी दोस्तों सर्विस में लग जाएंगे, तो उस वक्त आपको भी टेक्नीशियन ही पोस्ट मिलेगी, और टेक्नीशियन पोस्ट में दोस्तों आपको भी यह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यहां पर दो टेक्नीशियन है, टेक्नीशियन ए और टेक्नीशियन बी, जिनका ए का कहना है कि सीरीज में लगाना चाहिए और बी का कहना है कि समांतर में लगाना चाहिए। अब आप डिसाइड करके बताइए दोस्तों कि टेक्नीशियन ई सही कह रहा है, सॉरी टेक्नीशियन ए सही कह रहा है या फिर टेक्नीशियन बी सही कह रहा है। तो आंसर क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा कि टेक्नीशियन ए सही कह रहा है, यानी कि टेक्नीशियन दोस्तों काफी अनुभवी व्यक्ति लग रहा है। कैसा लग रहा है? काफी अनुभवी व्यक्ति लग रहा है, आपको कंपेयर करना था। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बी सही आंसर है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, सिंगल फेज मोटर को शुरुआत करने की सबसे आसान एवं सस्ती सिस्टम निम्न में से कौन सी है? देखिए दोस्तों, जो आपकी सिंगल फेज की मोटर है उसी को केवल सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, है ना, उसी को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है, और थ्री फेज में सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। तो ये सारे जो मोटर है ना, ये सब दोस्तों मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए ये एक प्रकार का सिस्टम है। तो देखिए क्या कह रहा है, सबसे आसान, तो सबसे आसान यही दोस्तों आपका संग्राहक। देखिएगा एक डायग्राम को आप देखिए दोस्तों, ये आपकी एक वाइंडिंग है जिसको हम कहेंगे मेन वाइंडिंग, और ये एक वाइंडिंग है दोस्तों जो आपका है सहायक वाइंडिंग। यहां पर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहां पर दोस्तों फेज स्प्लिटर नहीं, ये क्या है दोस्तों, CFS है। ये क्या है आपका? CFS है। और बीच में देखिए इस प्रकार से आपका ये रोटर है, है ना। ये दोस्तों एक मोटर के अंदर जो स्टेटर में जो वाइंडिंग की जाती है उसके बारे में है, है ना। ये किस प्रकार की मोटर का डायग्राम है दोस्तों? ये सिंगल फेज मोटर का, किसका? सिंगल फेज मोटर की डायग्राम है। तो देखिएगा, ये है आपकी, मान लीजिए दोस्तों ये आपकी रनिंग वाइंडिंग है। कौन सी है ये? ये आपकी मान लीजिए रनिंग वाइंडिंग है और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है। तो आप देख रहे हैं ना, स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज क्रम में एक कैपेसिटर लगा हुआ है। तो कैपेसिटर लगाना बहुत आसान है, और कैपेसिटर को लगा के हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट बना सकते हैं, और स्प्लिट फेज के द्वारा भी हम मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाते हैं, और अवरोधक के द्वारा, इंडक्टर के द्वारा भी। देखिए दोस्तों, जब आप इंडक्टर लगा देते हैं ना, जब आप इंडक्टर लगाते हैं, ये इंडक्टर क्या करती है दोस्तों, जो आपकी करंट होती है और वोल्टेज होती है, इन दोनों के बीच में ये क्या करती है, 90 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फेज अंतर पैदा कर देती है। और यही काम दोस्तों कैपेसिटर भी करती है। कैपेसिटर भी क्या काम करती है? कैपेसिटर यही काम 90 अंश का फेज अंतर ये भी पैदा करती है, फिर आपकी मोटर सेल्फ स्टार्ट हो जाती है। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, है ना। आगे बढ़िएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 को पढ़िए, किसी नई मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध फला है कितना है? 250 मेगा ओम प्रति किलोमीटर बताया गया है। 200 मीटर केबल का प्रतिरोध कितना होगा? बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही यूनिक तरीके से इसका आंसर लाते हैं। देखिएगा क्या है कि IR रेजिस्टेंस आपको ज्ञात करना है, और सूत्र लिखिएगा दोस्तों, रोह बटा 2 पाई एल लॉग R² / R², है ना। तो देखिए, ये जो आपकी R² है ना, इसको पहले से ही हम कट कर देते हैं। आपका देखिए, आपका जो फॉर्मूला है केवल इतना ही काम आने वाला है, केवल इतना ही फॉर्मूला काम आएगा। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है कि प्रति किलोमीटर, है ना, कहने का मतलब है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होती है। तो 1000 मीटर वाला 1000 मीटर बराबर 250 मेगा ओम का IR आपको मिल रहा है, मेगा ओम का आपको प्रतिरोध मिल रहा है, है ना। आप यहां से क्या देख पा रहे होंगे कि जो L है ना, ये दोस्तों व्युत्क्रमानुपाती है किसके? R के। इसलिए देखिएगा, एक मीटर बराबर
250 गुणे 1000 मेगा ओम, 1000 मेगा ओम, 1 मीटर बराबर 250 गुणे 1000 मेगा ओम। तो इसी प्रकार से आपको 200 मीटर का ज्ञात करना है मेगा ओम में प्रतिरोध कितना होगा, है ना। तो देखिएगा मीटर बराबर हो जाएगा दोस्तों 250 गुणे 1000 बटा 200, है ना बहुत आसान। अब इस ये 200 काट देगा 5 बार में 1000 को, और 25 पंचे 125 एक जीरो और लगाइए, कितना हो गया 1250 मेगा ओम, और यही आपका सही आंसर है। बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और दोस्तों आपको सिलेक्शन तक लेके जाते हैं, है ना। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठिए, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पे टाइम आपको मिलता है बहुत ही लिमिटेड टाइम मिलता है। अगर एग्जामिनर बहुत बड़ा क्वेश्चन दे दे तो दोस्तों उस क्वेश्चन को हैंडल करना दोस्तों थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। इम्पॉसिबल इसलिए क्योंकि वक्त भी बहुत कम होता है ना, इसलिए वहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़िएगा, किसी संट मोटर के इनपुट टर्मिनल का कनेक्शन उलट फेर कर देने से मोटर के घुमाव गति पर कौन सा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही नया क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल देखिए, जब आप डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, डीसी मोटर को जब आप सप्लाई देते हैं ना दोस्तों, तो कहां कहां वो सप्लाई जाती है देखिएगा। जो आपकी सप्लाई है डीसी मोटर को, जो आप डीसी सप्लाई देते हैं, तो यह डीसी सप्लाई दो जगह में जाती है, दो वाइंडिंग में। किस किस वाइंडिंग में? पहला देखिए आर्मेचर वाइंडिंग में, पहला जाएगा ये आर्मेचर वाइंडिंग में, और दूसरा ये दोस्तों फील्ड वाइंडिंग में भी जाती है, वही सप्लाई फील्ड वाइंडिंग में भी जाती है, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनपुट टर्मिनल का कनेक्शन उलट फेर कर देने पर, देखिएगा अगर डीसी सप्लाई का इनपुट टर्मिनल को अगर आप उसके कनेक्शन में इंटरचेंज करेंगे ना, तो मोटर अपने घूमने की दिशा को कभी नहीं बदलेगा। घूमने की दिशा को कब बदलेगा? जो सप्लाई आपकी आर्मेचर वाइंडिंग में आ रही है, अगर आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन आप चेंज करते हैं तो मोटर अपने घूमने की दिशा को चेंज कर लेगी। अगर फील्ड वाइंडिंग का आप टर्मिनल चेंज करते हैं तो भी मोटर अपने घूमने की दिशा को चेंज कर लेगी। लेकिन अगर एक साथ आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग को बदलेंगे इसका कनेक्शन, तो मोटर अपने घूमने की दिशा को नहीं चेंज करेगा। इसी प्रकार से जब आप डीसी सप्लाई का मेन टर्मिनल को चेंज कर रहे हैं ना, इसका मतलब दोनों का कनेक्शन एक साथ चेंज हो जा रहा है, और एक साथ चेंज होने पर दोस्तों दिशा वही रहेगी, दिशा कभी भी नहीं बदलेगी, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझना है। आगे बढ़िएगा, किस मोटर से अनावश्यक आवाज नहीं निकलती है? वो दोस्तों आपका हिस्टरेसिस मोटर कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? हिस्टरेसिस मोटर। इसका यूज कहां पर करते हैं? तो लिखिएगा ये जो आपकी मोटर है ना, ये सिंगल फेज प्रकार की मोटर है, और इसका प्रयोग दोस्तों विद्युत घड़ियों में करते हैं। कहां पर? विद्युत घड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों सिंगिंग रूम में, कहां पर दोस्तों? सिंगिंग रूम में भी हम इसी प्रकार के मोटर को काम में लेते हैं। आप दोस्तों खुद सोचिए ना कि एक कोई सिंगर है दोस्तों, उसके उसके गाने को रिकॉर्ड किया जा रहा है ना, गाने को जहां पर रिकॉर्ड किया जा रहा है वहां पर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक यंत्र तो जरूर होगा, और उस यंत्र में दोस्तों हम एक ऐसे मोटर को लगाते हैं जो बिल्कुल भी आवाज ना करे। अगर आवाज करेगी तो क्या होगा? वहां पर गाना रिकॉर्ड हो रहा है, कोई दूसरा आवाज उस रिकॉर्डिंग में ना आए, इसलिए दोस्तों एक ऐसे मोटर को चुनते हैं जिसका नाम है हिस्टरेसिस मोटर, जो बिल्कुल आवाज नहीं करती। अगर आप कहेंगे क्यों नहीं करती, तो इसका लिखेगा, इसका कारण यह है दोस्तों कि जो इसका रोटर होता है ना, जो इसका रोटर होता है वो क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। किसके? क्रोमियम स्टील के बने होते हैं। और दोस्तों ये जो क्रोमियम स्टील है ना, इसमें किसी भी प्रकार का इस रोटर में स्लॉट नहीं होते हैं ना, इसमें खांचा नहीं होते हैं, और खांचा ना होना दोस्तों यही इसका मुख्य वजह है कि आवाज इसमें से नहीं निकलती है। आगे बढ़िएगा, ई विभव और आर ओम आंतरिक रेजिस्टेंस वाले एन सेलों को अगर संट क्रम में जोड़ा जाए तो करंट की सामर्थ्य होगी। यहां आर बराबर भार बटा बाह्य करंट है। आपने दोस्तों एक फॉर्मूला देखा होगा, आई बराबर ई एम एफ बटा
प्रतिरोध। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले से आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे, है ना। तो देखिएगा आई जो आपका ईएमएफ है ये क्या है, वोल्ट है, और इसको दोस्तों हम ई भी लिखते हैं, है ना। और देखिए प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध आर प्लस। इसका कनेक्शन कैसे किया गया है तो आप देखिएगा संट क्रम में, और संट क्रम में जब दोस्तों प्रतिरोध को कनेक्ट किया जाता है तो उसको आर बटा एन लिखा जाता है उसका फॉर्मूला। अगर एक समान मान के रेजिस्टेंस वाले, एक समान रेजिस्टेंस वाले अगर प्रतिरोध है तो आर बटा एन, ये है समांतर क्रम को बताती है। तो आप देखिए ना ये फॉर्मूला क्या बन गया दोस्तों, E बटा R प्लस R बटा N, है ना। क्या आंसर होगा, E बटा R प्लस R बटा N, यही आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएल के द्वारा पूछा गया था, जो 26 जून 2016 को पेपर हुआ था, है ना, उसी पेपर का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। बढ़िएगा अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, आर प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों के लिए कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं, ना आर प्रतिरोध वाले तीन प्रतिरोधों के कितने संयोजन बनाए जा सकते हैं, यानी कि इनके कनेक्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तो पहला कनेक्शन देखिएगा, ये आपके तीन प्रतिरोध हैं, है ना, ये पहला दूसरा और तीसरा, इसको मैं दोस्तों आर वन आर टू और आर थ्री ये नाम दे दिया। ये दोस्तों आपका कनेक्शन नंबर वन है, है ना, ये कनेक्शन नंबर फर्स्ट है। एक और कनेक्शन देखिएगा, ये है आपका तीन प्रतिरोध, है ना, तीन प्रतिरोध जिसको हमने कनेक्ट कर दिया बिल्कुल समांतर क्रम में, ये भी R1, R2 और R3 तीन है। ये कौन सा कनेक्शन है, ये समांतर कनेक्शन है, और कनेक्शन नंबर ये कौन सा है दोस्तों, सेकेंड कनेक्शन नंबर है। एक और कनेक्शन देखिएगा, हाँ एक और कनेक्शन देखिए, दो प्रतिरोध को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया और इन दोनों के समांतर में एक सिंगल प्रतिरोध लगा दिया, ये तीसरा कनेक्शन है, है ना, ये तीसरा संयोजन है, संयोजन नंबर थर्ड। एक और कनेक्शन बनता है जो कि एक दोस्तों सिंगल सीरीज में रहेगा, बाकी दो आपस में समांतर क्रम में रहेंगे इस प्रकार से। तो ये देखिएगा ये कौन सा है, ये चौथा कनेक्शन है, ये कौन से दोस्तों, ये फोर्थ कनेक्शन है। तो देखिए ये है आपका पहला कनेक्शन, और ये है आपकी सेकेंड वाली, और ये है आपका थर्ड, और ये है आपका फोर्थ। तो कितने कनेक्शन बनेंगे दोस्तों, चार कनेक्शन बनेंगे। आप बिल्कुल ध्यान रखिए और बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आगे बढ़िए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्लास के साथ सिलिका जेल श्वसक फिट होते हैं, ग्लास के साथ सिलिका जेल श्वसक फिट होते हैं ताकि जो आपका क्रिस्टल का रंग है ना वो साफ साफ बाहर से दिखाई दे। क्रिस्टल जब नमी सोख लेती है तब उसका रंग नीले से बदलकर किस रंग में रूपांतरित हो जाती है, तो वो हो जाती है दोस्तों आपका नीला रंग, सॉरी गुलाबी रंग, नीला तो पहले ही है, ये गुलाबी रंग हो जाती है। कैसा, गुलाबी रंग हो जाती है। देखिएगा दोस्तों ये जो आपका क्रिस्टल है ना, क्रिस्टल किसका होता है, ये रासायनिक क्रिस्टल होते हैं। कौन सी है, ये रासायनिक क्रिस्टल होते हैं। ये काम कैसे करती है, जब आपकी ट्रांसफार्मर दोस्तों ओवरलोड होती है ना, तो ओवरलोड होने कंडीशन में वाइंडिंग में हीट उत्पन्न होता है, और उस हीट से वाइंडिंग बहुत अधिक हीट हो जाती है। वाइंडिंग को हमें कूल करना है, कूल करने के लिए बाहर से हम हवा लेते हैं, और उस हवा में दोस्तों क्या है, नमी है। अगर नमी युक्त हवा वाइंडिंग तक चली गई ना, तो दोस्तों आपको पता है नमी में क्या होता है, कोरोना लॉस होती है, और कोरोना लॉस से क्या होता है आपको पता है दोस्तों, वहां पर क्या होता है, बहुत बहुत बड़ी हानि उत्पन्न होती है। इसीलिए दोस्तों वो वाइंडिंग को शॉर्ट भी करा सकती है। तो नमी युक्त हवा को हमें नमी रहित हमें नमी रहित हवा बनाना है, और नमी रहित हवा कौन बनाता है, ये जो आपका रासायनिक क्रिस्टल है उस नमी को सोख लेती है और दोस्तों शुष्क हवा को अंदर जाने देती है। आपको दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि हम सांस लेते हैं ना, हमारे नाक के अंदर भी दोस्तों क्या है, छोटे छोटे बाल हैं। हम क्या करते हैं, हम बाहर से हवा को सांस लेते हैं, अपने सांस के रूप में अपने अंदर डालते हैं हवा को, है ना। तो देखिए जो वातावरण में दोस्तों ये हवा है ना, ये शुद्ध नहीं है, इसमें धूल धुआं मिट्टी वगैरह सब कुछ है, हम इसी को सांस लेते हैं। तो जो बाल है हमारे नाक में वो एक फिल्टर के रूप में काम करते हैं, है ना। तो फिल्टर के रूप में काम करते हैं, वो शुद्ध हवा को अंदर जाने देते हैं, बाकी दोस्तों धूल मिट्टी जो होता है उस सबको वो रोक लेते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें भी दोस्तों यही प्रोसेस इसमें भी होती है। तो आपको दोस्तों समझ आया होगा, बिल्कुल देखिएगा, पहले शुरुआती में इसका नमी सोखने से पहले रंग कैसा होता है,
नीला कलर का होता है और नमी सोखने के बाद ये गुलाबी रंग की हो जाती है। चुंबकत्व का गुणधर्म निम्नलिखित विकल्पों में से नहीं है, यह समान ध्रुवों को अट्रैक्ट करता है, यह गलत बात है। यह मिश्र धातुओं को अट्रैक्ट करता है, यह भी गलत बात है। तोड़ने से इसके गुणधर्म नहीं टूटते, टूट जाते हैं। चुंबक को जब खंडों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक खंड एक स्वतंत्र चुंबक बन जाते हैं, यही बिल्कुल सही आंसर है। मैं दोस्तों अपने जेब में आपके लिए कुछ ले आया हूं और आज आपको दोस्तों एक कमाल दिखाता हूं। हाँ, आप देखिएगा मेरे पास एक चुंबक है, यह चुंबक है दोस्तों। पहले देखिएगा यह एक चुंबक है, देखिए यह एक चुंबक है। चुंबक का एक सिरा मान लीजिए ये S है और ये N है। जब इसी चुंबक को मैं तोड़ देता हूँ और तोड़ करके अलग अलग कर देता हूँ तो क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर N है तो यहाँ पर S ही होगा। लेकिन टूटने के बाद ये जो ब्रेक हो रहा है ना, यहाँ पे कौन सा पोल बनता है, तो यहाँ पर दोस्तों S पोल बनेगा और यहाँ पर भी S पोल ही बनेगा। अब दोस्तों ये मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। आप देखिए ये मेरे पास एक चुंबक है, इसको मैं जबरदस्ती जोड़ता हूं दोस्तों। ये देखिए मैंने तोड़ के पहले से ही रखा है, अब तोड़ दिया, देखिए आप देख रहे होंगे ये जुट गई है अभी, है ना। अब तोड़ने के बाद देखिए अभी ये जुटी हुई है, इसका मतलब कि इन दोनों के बीच अट्रैक्शन हो रहा है, अलग अलग पोल है। अब मैंने इसको तोड़ा दोस्तों और तोड़ने के बाद देखिए ये क्या हो रहा है, ये पहले जैसे नहीं बैठ रहा है। ये देखिए ये पहले जैसे नहीं बैठ रहा है, अगर मैं इसको घुमा के बैठा हूं तो ये बैठ जा रहा है। इसका मतलब कि टूटने के बाद जहां से ब्रेक होता है ना चुंबक, वहां पर दोस्तों सेम पोल जनरेट होता है, बिल्कुल सेम पोल जनरेट होता है। और इसीलिए दोस्तों यहां पर भी कौन सा पोल होगा, यहां पर भी S पोल होगा या फिर N पोल होगा, जो भी पोल बनेगा एक समान पोल बनेगा। ये दोस्तों आप खुद प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35, समांतर में संबंधित दो एक रूप लैंप 250 वोल्ट की सोर्स से लगे हैं, प्रत्येक लैंप को किस मान वाली वोल्टेज मिलेगी। इन सभी को दोस्तों 250 वोल्ट वाली सप्लाई मिलेगी। देखिएगा इसीलिए जो घर होती है दोस्तों, घरों में समांतर वायरिंग की जाती है। कौन सी दोस्तों, समांतर वायरिंग की जाती है, क्योंकि जो आपकी सिंगल फेज प्रकार के जितने भी उपकरण है ना, उनको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि जब तक 250 वोल्ट उनको नहीं मिलेगा प्रॉपर, तब तक वो काम नहीं करेंगे। और सबको एक समान वोल्टेज मिले, इसलिए घर में जितने भी कनेक्शन किए जाते हैं सब के सब समांतर भी किए जाते हैं और सबको एक समान वोल्टेज मिलता है। अगर एक समान करंट की बात करता तब सीरीज कनेक्शन होता कि सीरीज कनेक्शन में एक समान वोल्टेज मिलते हैं, सॉरी एक समान करंट मिलते हैं, है ना। आगे बढ़िएगा, करंट बहाव के परंपरागत सिद्धांत के अनुसार करंट प्रवाहित होती है किसी भी दिशा में। ऑप्शन बी है ऋणाग्र से धनाग्र की ओर, ऑप्शन सी है धनाग्र से ऋणाग्र की ओर। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, धनाग्र से ऋणाग्र की ओर इसका सही आंसर है। जो करंट का बहाव है ना, है ना, करंट का जो बहाव होता है दोस्तों वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। कहाँ से, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है। लेकिन अगर आपसे इलेक्ट्रॉनों का बहाव पूछा होता, किसका, इलेक्ट्रॉनों का बहाव, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना जस्ट इसके उल्टा होते हैं, वो दोस्तों निगेटिव से चालू होते हैं बहना और पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ वो प्रवाहित होते हैं। तो इन दोनों का जो इनका बहाव होता है ना, गति होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो इसका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ क्वेश्चन नंबर देखिए 37, मैगर का प्रतिरोध निम्नलिखित, मैगर का प्रयोग निम्नलिखित मान मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों अचालक का प्रतिरोध मापता है और अचालक में प्रतिरोध कैसा होता है, उच्च मान का, जो कि मेगा ओम में होता है, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, अनेक ट्रांसफॉर्मर के समांतर ऑपरेशन के लिए किस फैक्टर का समान होना आवश्यक नहीं है। तो देखिएगा वोल्टेज रेटिंग समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी रेटिंग समान होना चाहिए, फेज रेटिंग समान होना चाहिए, लेकिन एमवीए रेटिंग का समान होना दोस्तों ये कोई कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि अगर वोल्टेज रेटिंग मैच कर रहा है, फ्रीक्वेंसी रेटिंग मैच कर रही है, फेज रेटिंग मैच कर रहा है, उस कंडीशन में आपका एमवीए रेटिंग मैच ना भी करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका दोस्तों पैरेलल ऑपरेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। इसीलिए दोस्तों एमवीए रेटिंग या फिर केवीए रेटिंग ये दोनों मैच हो ये कोई जरूरी नहीं है। डीजल इंजन कार में किस मान वाली एम्पियर आवर रेटिंग की बैटरी फिट किया जाता है, वो होता है दोस्तों 30 से 60 एम्पियर आवर का। कितना, 30 से 60 एम्पियर आवर का। किस बैटरी को काम में लिया जाता है, तो लिखिएगा दोस्तों लेड एसिड बैटरी। कौन सी बैटरी,
लेड एसिड बैटरी, ये कौन कहता है? तो ये दोस्तों आपकी सिलेबस कहती है कि लेड एसिड बैटरी की, लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी कहती है कि लिथियम आयन सेल। कौन सी दोस्तों? लिथियम आयन सेल। आपने देखा होगा एक महिंद्रा की दोस्तों गाड़ी लॉन्च हुआ है, अभी 2-3-4 साल हो गए, महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुआ है, है ना। उस इलेक्ट्रिक कार में किस प्रकार के बैटरी को काम में लिया गया है? तो लिथियम आयन बैटरी को काम में लिया गया है। वजह क्या है कि इसकी लाइफ टाइम दोस्तों बहुत अधिक होती है और इसकी वोल्टेज रेटिंग भी अधिक होती है सभी सेलों से। विशुद्ध प्रेरक का शक्ति गुणांक कितना पाया गया है? ये दोस्तों 0 पाया गया है। कितना? 0 पाया गया है। आप कहेंगे कैसे दोस्तों? जो आपका विशुद्ध प्रेरक होता है ना, इसमें जो करंट होते हैं, है ना, इसमें जो करंट तथा वोल्टेज होती है ना, इन दोनों के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट होता है वो 90 अंश का होता है। कितना? 90 अंश का होता है। और दोस्तों कॉस 90 अंश का मान कितना होता है? 0। और यही 0 ही आपका सही आंसर है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज दीपक में किस एलिमेंट के संतता चेक करते समय अगर उपकरण में ओपन सर्किट हो तो परीक्षण लैंप कैसा रिएक्ट करेगा, है ना। तो परीक्षण लैंप देखिए दोस्तों नहीं जलेगी, या उच्च प्रकाश देगी, या डीम जलेगी, या एलिमेंट पिघल जाएगा। तो आंसर दोस्तों नहीं जलेगी, नहीं जलेगी। क्यों नहीं जलेगी? करंट दोस्तों एक ऐसा फैक्टर है जो उसी मार्ग पर चलना पसंद करती है जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो और जिसमें सर्किट पूरी कंप्लीट हो, उसी में करंट का प्रवाह होता है, अन्यथा करंट नहीं प्रवाह करती। आपको एक एग्जांपल देखे देता हूं दोस्तों। ये मान लीजिए क्या है, ये एक पुल है, ये देखिए एक पुल है और यहां से निकला हुआ आई हुई है रास्ता, है ना, ये बीच में पुल है, यहां से आई हुई है रास्ता। यहां पर देखिए कई सारी गाड़ियां हैं, कई सारी यहां पर गाड़ियां हैं और ये गाड़ियां दोस्तों इस पुल के माध्यम से जाती हैं और बड़े ही आराम से इस पुल तक पहुंच जाती हैं। लेकिन अगर दोस्तों इसी पुल को मैं यहां से ब्रेक कर दूं, है ना, ब्रेक कर दूं, इस प्रकार से तोड़ दूं और आगे में रास्ता बिल्कुल क्लियर करूं, तो आप खुद बताइए क्या इसमें से कोई गाड़ी या कोई आदमी इसमें से पार कर सकता है? अगर बीच से पुल टूटा हुआ है, ये बीच से पुल बिल्कुल टूटा गया है, तो इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, सॉरी, इसमें कोई भी गाड़ी का आवागमन नहीं होगा, ट्रैफिक क्या हो जाएगी? जाम हो जाएगी। इसी प्रकार से दोस्तों करंट की भी ट्रैफिक जाम हो जाती है अगर सर्किट कंप्लीट ना हो, इसलिए सर्किट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। यहां पे क्या कह रहा है कि सीरीज दीपक में किसी एलिमेंट के संतता चेक करते समय का उपकरण ओपन सर्किट हो। ओपन का मतलब क्या है कि सर्किट आपकी टूट चुकी है, है ना। तो टूटे हुए सर्किट में दोस्तों क्या होता है, कभी करंट का प्रवाह हो नहीं सकता। ओवरहेड टेलीफोन लाइन में किस धातु की, ओवरहेड टेलीफोन लाइन किस धातु की बनाई जाती है? ये दोस्तों मटमैला तांबा का बनाया जाता है। किसका? मटमैला तांबा का। और स्टेनलेस स्टील, स्टील एल्यूमिनियम, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है फेराइट धातु किससे संबंधित है? तो ये एक नई क्वेश्चन है दोस्तों, ये फेरी चुंबकीय धातु से संबंधित है। अगर इसका एग्जांपल पूछे ना, इसका एग्जांपल नोट करना दोस्तों, लोहा इसका सबसे पहला एग्जांपल है। कौन सा? लोहा लिखेगा एल्निको, लोहा हो गया आपका, एल्निको हो गया, और कोबाल्ट, कोबाल्ट और निकल जितने भी एग्जाम्पल हैं सब एग्जाम्पल लिखेगा, है ना। नौसादर भी इसी का एग्जाम्पल है, और दोस्तों टंगस्टन, और क्या है? टंगस्टन। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये दोस्तों फेरी चुंबकीय पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। इससे हम किस प्रकार का चुंबक बनाते हैं? तो स्थायी चुंबक का निर्माण करते हैं। किसका? स्थायी चुंबक का। और आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जिस उपकरण में स्थायी चुंबक लग गया ना दोस्तों, उस उपकरण को हमें बाहर से सप्लाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमें बाहर से सप्लाई देने की कब जरूरत पड़ती है किसी उपकरण को? जब हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना होता है उस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस उपस्कर में इलेक्ट्रिक करंट के वाइब्रेशन इफेक्ट का प्रयोग किया जाता है? वो होता है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक फर्नेस में। कहां पर? इलेक्ट्रिक फर्नेस में। सबसे पहला पॉइंट लिखेगा, अगर आपसे पूछा जाता कि ताप इफेक्ट के बारे में, तो करंट का जो ताप इफेक्ट होता है इसका यूज कहां पर करते हैं आप? हीटर में। कहां पर? हीटर में करते हैं। अगर आपसे रासायनिक इफेक्ट, किसका दोस्तों? रासायनिक इफेक्ट के बारे में पूछता, तो रासायनिक इफेक्ट किस में काम में लेते हैं आप? बैटरी में काम में लेते हैं। कहां पर? बैटरी में काम में लेते हैं। इसी के साथ में नोट करना दोस्तों, किरण प्रभाव के बारे में, किसके बारे में? किरण इफेक्ट के बारे में पूछता, तब आप लिखते
एक्सरे मशीन में, कहां पर दोस्तों, एक्सरे मशीन में, और वहीं पर वाइब्रेशन इफेक्ट इलेक्ट्रिक फर्नेस में काम में आता है। तो ये कई सारे इसके प्रभाव है, अलग अलग क्षेत्र में इसका खूब महत्वता है। अगला क्वेश्चन है स्थैतिक विभव सोर्स। ये बहुत ही दोस्तों एक यूनिक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन इसको माना जाता है कि स्थैतिक विभव सोर्स में क्या होना चाहिए, आंतरिक प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, निम्न होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिएगा, ये एक आपका बैटरी है, मान लीजिए ये आपका एक बैटरी है, ये बैटरी कितने वोल्ट की है, ये बैटरी है 12 वोल्ट की, है ना। यहां से दोस्तों आपका आउटपुट निकलता है, यहां से आपका क्या निकलता है, आउटपुट निकलता है, जो कि किसी लोड को सप्लाई देने के लिए आउटपुट हम लेते हैं। हम चाहते हैं कि बैटरी 12 वोल्ट की है तो आउटपुट भी हमें 12 वोल्ट ही मिले, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन फिर भी ड्रॉप इसमें से कम हो। तो ड्रॉप कम से कम क्यों, कब होगा, एक ही कंडीशन में, जब रेजिस्टेंस का मान, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का मान कम से कम होगा, और वही रेजिस्टेंस आपको बताना है कि निम्न आंतरिक रेजिस्टेंस होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं दोस्तों कि ड्रॉप कम से कम हो। आगे बढ़िएगा, भारत देश के घरेलू सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज का मान होता है। इतना आसान क्वेश्चन उम्मीद नहीं था दोस्तों कि इतना आसान क्वेश्चन यूपीपीसीएल भी पूछ सकता है, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला है कि बिजली उपकरण में मेटल केसिंग को सुनिश्चित करने के लिए अर्थिंग की जाती है। वो दोस्तों स्थापना की सुरक्षा करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, क्योंकि जो आपकी मेटल है उस मेटल में दोस्तों क्या हो सकता है, करंट का प्रवाह हो सकता है, अगर करंट लीकेज हुई तो, इसीलिए हमें उसको हमें स्थापना को सेफ्टी देने के लिए अर्थिंग करना बहुत जरूरी है। परिणामित्र के स्टील क्रोड में कोर स्लॉटिंग करने का मुख्य उद्देश्य किसे घटाना होता है, सर्कुलेटिंग करंट को घटाना होता है, और सर्कुलेटिंग करंट क्या करती है, अनवांटेज हीट उत्पन्न करती है, और हीट से क्या होता है दोस्तों, हीट से क्या होता है आपको पता है, आयरन लॉस होती है, और उसी आयरन लॉस को कम करने के लिए हम कोर को स्लॉटिंग करते हैं, है ना। आगे देखिएगा, और एक बात, हाँ दोस्तों, कोर स्लॉटिंग करने से आर्मेचर रिएक्शन भी खत्म हो जाता है, और आर्मेचर रिएक्शन ट्रांसफार्मर में नहीं होती, इसलिए दोस्तों मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा। आम बिजली कनेक्शन और केबल कनेक्शन किस में किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, लिखेगा ये जो आपका रेजिन है ना, इसी को काम में लेते हैं। ब्रोंजा से आप किसको कनेक्ट, ब्रोंजा से कहां पर आप वेल्डिंग करते हैं दोस्तों, सोल्डरिंग सॉरी, लिखेगा जो आपका ताम्र का टर्मिनल होगा, है ना, ताम्र के बने जो टर्मिनल होते हैं ना, उन टर्मिनलों में हम इसी प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। किसका दोस्तों, किसका टर्मिनल होगा, तांबा का टर्मिनल होगा, या फिर पीतल के भी टर्मिनल होंगे, वहां पर भी हमें सोल्डरिंग करना है तो इसी प्रकार के फ्लक्स का प्रयोग करते हैं, ब्रोंजा का। आयर नंबर 7 दोस्तों, ये कहां पर प्रयोग होता है, प्रॉपर तरीके से एल्यूमिनियम में, किसमें दोस्तों, एल्यूमिनियम में, और अमोनिया क्लोराइड इसके बारे में भी लिखिए। ये दोस्तों कॉस्ट आयरन, कहां पर, कॉस्ट आयरन के बने जो भी मटेरियल होंगे, जो भी चादर होगी, जो भी रॉड होगी, या फिर पाइप होगी, अमोनिया क्लोराइड जिसे फ्लक्स को काम में हम लेते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, वोल्टमीटर की परास सीमा में वृद्धि करने के लिए किस अवरोधक का प्रयोग किया जाता है, तो ये मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर क्या है, ये एक प्रतिरोध है, लिखेगा ये एक प्रतिरोध है। अगर मैं कहूं किस प्रकार का प्रतिरोध है, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बताइएगा दोस्तों, बाह्य प्रतिरोध है, जिसका मान कैसा होना चाहिए, जिसका मान, जिस प्रतिरोध का मान उच्च होना चाहिए, कैसा होना चाहिए दोस्तों, उच्च होना चाहिए। आप एक चीज ध्यान रखना, वोल्ट मीटर के बारे में पूछे तो प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, और अगर अगर वोल्टेज सोर्स के बारे में पूछता तब दोस्तों प्रतिरोध कैसा होना चाहिए, निम्न तब प्रतिरोध होता। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। अगर एमीटर के बारे में पूछता तब ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता। तो ये रहे दोस्तों कुछ 25 प्रश्न, जिसका सलूशन बड़े ही दोस्तों एक अलग अंदाज में मैंने किया। अगर मेरा अंदाज पसंद आया हो, और जो मेरा स्ट्रगल है, जो मेरा मेहनत है दोस्तों, अगर मेरा मेहनत आपके काम आ रहा है, तो जरूर इस क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस क्लास को शेयर करिएगा। अगर दोस्तों, अगर आपको जो मेरे द्वारा कंटेंट लाया जा रहा है, आप तक पहुंचाया जा रहा है, अगर ये कंटेंट आपके लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होगा, तो जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका तीसरा पार्ट लेकर आने वाले हम कल सुबह, और इसलिए आप कल सुबह फिर से आइएगा और इसका सलूशन सबसे पहले पाइएगा। तो चलिए कल सुबह फिर से मिलते हैं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।